पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने कल 5 परीक्षाओं का नतीजे जारी किया है। आपके स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पे है BCA पार्ट 1 एनुअल एग्ज़ाम का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया है। MA हिस्ट्री प्रिविजन का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया। तीसरे नंबर पे MA इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर का, चौथे नंबर पे MA हिंदी फाइनल ईयर का और पाँचवें नंबर पे MA हिंदी प्रीवियस का। तो इन सभी का रिजल्ट अब पंडित रविशंकर ने कल सोमवार को जारी किया है। बाकी फर्स्ट नंबर वाले BCA पार्ट का रिजल्ट निराशाजनक है। बोले जाए तो इस साल का जितने भी रिजल्ट आया है, जितने भी कक्षाओं का, वो सब निराशाजनक है, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में हुआ था और पिछले बार ऑनलाइन हुआ था। इसलिए दोस्तों इस बार का जो रिजल्ट है बहुत ही निराशाजनक है। और यहाँ पे ये देखिए पंडित रविशंकर ने यहाँ पर कुछ संबंधित लिखा है, जो कि फर्स्ट नंबर वाला वेबसाइट पर आप इस प्रकार से PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस प्रकार से PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरे में फ्रेंड यहाँ पे मैं बता दूँ लिखा है, वो क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। जैसे रिजल्ट जारी होने के बाद आपको 15 दिन के भीतर आप पात्रता अनुसार छात्र रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको रिटोटलिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे भरते हैं हमने ऑलरेडी से अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है। आप उसको देखकर बहुत इजी तरीके से आप रिटोटलिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रकार की दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है वो पंडित रविशंकर अभी उसकी तैयारी कर रहा है। हो सकता है दोस्तों जितने भी फर्स्ट ईयर का है सबका रिजल्ट इसी मंथ आ जाएगा, अभी पंडित रविशंकर तैयारी कर रहा है। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और BCA पार्ट 2 का भी रिजल्ट अपलोड हो गया है, आप जाकर अपना रिजल्ट विषय अनुसार चेक कर सकते हैं। मैंने आपको अपडेट कर दिया तो जाकर चेक कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, जो यूट्यूब पर दे नहीं पाते तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपका भी फ़ायदा है। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।